हाँ जी, अभी मैं दौड़ रहा हूँ। अभी आपको दिखाऊं कैसा पैच है। पैच देख करके आप, बाय द वे आज कितना तारीख है? आज है आपका 26, 26 तारीख है। ऐसे हो सकता है, सही आए 26 तारीख है आज। और आज ये रनिंग क्या उसी तरीके से मैं एक अपना लेके चल रहा हूँ। आपको रोड दिखा दूँ, रोड कैसा है देखिए। ये रोड देख लीजिए, रोड ऐसा कुछ है, दिख रहा है आपको? यस, शेक होगा तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर करिए। आप नीचे देख लीजिए, ऐसा कुछ रोड है। ये बगल में नहर है, अभी पानी तो ख़त्म है, अभी ज़रूरत ही नहीं कुछ है, तो पानी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी पे अपना दौड़ चल रही है, ठीक है। और आप लोग भी करते रहिए अपना। ये तकरीबन 9 का रफ्तार हो रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की। आज मैं ट्राईपॉड लेते आया कि ट्राईपॉड से आज देखते हैं थोड़ा कुछ बेसिक सिनेमेटिक भी निकाल लेंगे। सिनेमेटिक क्या? एंगल से। अभी यही ऐसा ही रोड चल रहा है, आपको दिखा दो। देखिए पूरा दूर तक यही है, और मैं अपना रनिंग कर रहा हूँ। वहाँ पे देखिए क्या है, इतने रिलगा देख सकते हैं आप। देखिए वहाँ पे चलिए अपना रनिंग में करता हूँ। हाँ जी, आपको अभी को मेरा 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया। अब इससे काफ़ी आपको वाइड व्यू मिलेगा। वाइड मिल रहा है कि नहीं? देखिए मेरा यहाँ, मैं इतना दूर हूँ, इतने दूर से आप मुझे देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। असम चलना है ना आप सभी लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ कि अवध असम एक्सप्रेस है या स्पेशल है, वो ट्रेन नंबर 15901 कुछ इस तरीके का नंबर है। आप उस ट्रेन में अगर होंगे तो मुझसे आप मिल सकते हैं। किस डेट को होंगे उस डेट को आप कंफर्म करने के लिए, जानने के लिए चैनल से जुड़िएगा, और आप मेरे टेलीग्राम के पर्सनल असिस्टेंट वाले पे आ करके आप वहाँ से जान सकते हैं कि किस दिन कब है मेरा, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो साथ में जिसका उस डेट को रहेगा उस दिन चलेगा, साथ में मिल लिया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद जिन लोगों का रहेगा उन लोगों से भी मिलेंगे, बातें होंगे। साथ के आप सभी लोग हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से मैं शुरू किया था। वो जो दिख रहा है ना, उस घर से वो जो पेड़ है वहाँ शुरू किया था। वहाँ से जाने के बाद उधर नहर है, नहर पे जाने के बाद उधर से ऐसे 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 यहाँ पे आने के बाद इस रोड पे ख़त्म हो गया। इन लोगों को मैं दिखाया था। वो जो लोग दिख रहे हैं कुछ लोग, वो छोटा छोटा, वो देखिए वो दिख रहा है ना, ये लोग जो है ऊपर की तरफ, ये सब ये लोग हैं। तो वो लोग उधर ही भग रहे थे, तो उधर से मैं दिखाया था आपको। और अभी बेसिक सा एक हो चुका है मेरा, और ये अपना खेत जो उस दिन कटवाया था आप व्लॉग में देखे थे, इधर से लेके गया था ट्रैक्टर के साथ। और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर का सबसे ज़्यादा आप लोगों का क्वेरी था कि क्वेश्चन पेपर का क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर बना क्या हुआ, तो आज इसका शॉर्ट
वीडियो मैं अपलोड कर दिया, हालांकि इस चैनल से मिनिमम लोग जुड़े, एक दो लोग भी नहीं शायद जुड़े होंगे, मुझे उसमें भी डाउट लगता है कि उस उतने लोग भी इससे नहीं जुड़े हुए हैं। मैं इसको इसी तरीके से बनाते रह रहा हूँ, जब अपना हो जाएगा पूरा काम, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जा करके उस वीडियो को देखिए, उस दिन को याद करिए, मैं खुद उस दिन को याद करूंगा कि ऐसे ऐसे मैं जाता था। एक लाइव मेरे पास भी होगा कि हाँ, मैं अपने जर्नी को जान सकता हूँ कैसे क्या हो रहा है, और वीडियो की क्वालिटी को मैं अच्छा ही रखना चाहता हूँ, 1080 पे ही रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जितना हो सकता है, अच्छे जितना क्वालिटी एकदम अच्छे से मिल सकता है, ताकि बाद में हमें कोई अफसोस ना हो कि अरे यार क्वालिटी ख़राब है, ऐसा कुछ है। हाँ, लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू होता है, तो अब कहाँ अपने पास वो महंगा आईफोन है, और आईफोन जो 13 आया उसमें भी कुछ खास बात थोड़ी ना है, वो भी बेकार ही मुझे लगता है। सिनेमेटिक शॉट में जाने पे 20 बार चालू करोगे तो उसमें से 10 बार ही सिर्फ आपका 20 बार चालू करोगे तो 4 बार उससे बेकार होना ही है, हैंग करेगा ही। बताओ, लाख रुपए की मोबाइल ले रहे हो, उसके बाद ऐसी ऐसी दिक्कत का क्या होगा, उससे अच्छा मेरा यही है, और फिर बाद में मोबाइल ले लिया जाएगा, और आप देखेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस इधर ऐसे ये झाड़ियाँ है, यहाँ पे खाट है, और ऐसा ही है। क्वेश्चन पेपर टाइपिंग से रिलेटेड आपको बता दूँ, टाइपिंग से रिलेटेड आपको क्या बताना है पूछिए जल्दी। टाइपिंग से रिलेटेड में टाइपिंग आप लोग करते रहिए, कमेंट मैसेज आता है कैसे टाइपिंग करें, कैसे करें भाई साहब, मैं हाथ से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी टाइपिंग हो पाएगा। टाइपिंग ऐसा मजाक चीज़ नहीं है, 35 वर्ड लाना विथ एक्यूरेसी विदाउट बैक स्पेस अगर आप करेंगे ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब टाइपिंग के लिए क्या है कि आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपसे आपका नहीं हो पा रहा है तो आप उसी पैराग्राफ को आप अपने स्पीड को बढ़ाइए, उसी में एक ही को आप टाइप करिए, दो चार बार पांच बार करिए, देखिए उसमें आपका WPM वर्ड पर मिनट आपका इंक्रीज़ होगा। जब आपका वर्ड पर मिनट इंक्रीज़ होगा तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हाँ कम से कम बढ़ तो रहा है। अब आप एक एक्सरसाइज किए, फिर नेक्स्ट पे चले गए, नया नया वर्ड मिलेंगे, नए नए टाइप के, फिर आपका वर्ड पर मिनट नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, फिर आप डिमोरलाइज होगे, तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। पता है, मैं फिर यह ऐसा काम है कि जिसमें आपकी मेमोरी की माइंड का प्रेजेंस का कॉन्शियस माइंड का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब कॉन्शियस माइंड का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है तो उसमें क्या है कि जैसे ही आपका कंसंट्रेशन हटा वैसे ही क्या हो जाएगा कि आप गलत लोगों की प्रेस करने के लिए एक साथ दो दो बटन आपकी प्रेस हो जाएंगे, तो उससे क्या हो क्या करना होगा कि आपको उससे बचना होगा। और आप उससे बचेंगे कैसे कि इस दिमाग को जितना नीचे रखेंगे, जितना ठंडा रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला रहेगा। और इसी के साथ मैं एक थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लिया, ठीक है, थंबनेल क्या ही लगाना रहता है, उसी तरीके से थंबनेल हो जाता है मेरा। तो वही है, अपना आप लोग करिए। वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अब जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा कि आप हाउ यू कैन इंक्रीज योर टाइपिंग, हाउ व्हाट आर द एक्सरसाइज यू हैव टू परफॉर्म टू इन्हांस योर टाइपिंग स्पीड, योर एक्यूरेसी एंड ऑल दैट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई एम ऑल्सो अ बिगिनर, आई एम ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग न्यू विच आई डिडंट परफॉर्म एवर, और ऐसा ही है। तो फिर भी अब एक सरकारी भर्ती का अगर निकल जाए तो फिर हमें उतना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब का तो मैं क्रैक किया हूँ टाइपिंग, तो दूसरे को बता एक कॉन्फिडेंस रहेगा बताने से कि हाँ मैं इस तरीके से किया, तब आपने हिसाब से ट्रिक कर सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो गया है, 7 मिनट का यही वीडियो हो चुका है, अब चलता हूँ यहाँ से, एक्सरसाइज को कुछ अपना करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं।
हाँ जी, आज इतने पे पीछे आ जाऊँ और आज इतने पे ही छोड़ता हूँ। क्यों इतने छोड़ता हूँ एक्सरसाइज? आज ये स्किपिंग लाया हूँ देसी, यार ये देखिए बनाया हुआ है खुद से। ये जो रस्सी देख लीजिए आप, खुद का बनाया हुआ है। स्किपिंग गया था लेने के लिए लेकिन रोप मिला नहीं। आज फ्राइडे था, मैं ध्यान ही नहीं दिया, आज दुकान वकान सारी बंद थी। तो अब क्या करेंगे, जब दुकान बंद थी तो अब इसको थोड़ा सा करते हैं। कितना करना है, मैं इसका टारगेट लेके चलूँगा कितना, 1000। 1000 रोप कूदने का अभी स्टार्टिंग में 300 के लगभग करूँगा, 200, 300, 100। फिर धीरे धीरे इसको धीरे धीरे क्या थोड़ा तेज इंक्रीज करना है। क्यों तेज इंक्रीज करना है, वजन को कम करना है 7 किलो। चलिए बात करते हैं। कितना हो गया, 100 स्किपिंग हो गया, कितना 100। अब थोड़ा इसको निकाल लूं, फिर हो गया, ठीक है। अब फिर 100 कर लेते हैं, ओके। हाँ जी, हो गया कितना, 300 प्लस हो चुका। काफी मजा आ रहा है, काफी मजा आएगा तभी। ये जो शरीर की हड्डियां हैं, हड्डियां क्या, यह फैट है, ये जो फैट इतना आ रहा है ये तभी जाएगा।